जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवानों की मौत का पहला बदला आखिरकार सेना ने ले लिया है। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद का कमांडर 11 घंटों में मुठभेड़ में मार गिराया है। रात 1:30 बजे शुरू हुई मुठभेड़ में कई घंटों तक फायरिंग होती रही, फिर सुरक्षा बलों ने उसी बिल्डिंग के उड़ा दिया जहाँ आतंकी छिपे हुए थे। आतंकी कामरान उप गाजी राशिद भी इस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। वह पुलवामा में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। उसने सीआरपीएफ काफिले पर आत्मघाती हमले की साजिश की थी। बताया जा रहा है कि सेना को पुलवामा के पिकनिक आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद 55 राष्ट्रीय राइफल्स सीआरपीएफ और ओजीसी ने घेर रात भर उन्हें फायरिंग करते रहे। इस मुठभेड़ में सुरक्षा के बल के 4 जवान शहीद हो चुके हैं, इसमें से एक मेजर रैंक का अफसर भी शामिल है। शहीद हुए जवानों में मेजर टीएस दोलिया, हेड कांस्टेबल शिवराम, सिपाही अजय कुमार और सिपाही हरि सिंह है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी गाजी एक और घर में छिपे लगातार फायरिंग कर रहा था। सेना ने उसे घेरा और जमकर फायरिंग की। रात में कुछ देर फायरिंग रोक दी गई, लेकिन सुबह अचानक आतंकियों ने दोबारा फायरिंग की है। उसमें 4 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि हमले का मास्टरमाइंड गाजी रशीद लोगों की आड़ में घरों में छुपा हुआ था।